इस क्लास में सभी विद्यार्थी एक मिक्स्ड एक्सरसाइज करेंगे, वो भी किसकी है, वॉइस की है। तो वॉइस की एक मिक्स्ड एक्सरसाइज आपको बता रहे हैं, आप लोग इसको बनाएं, सीखें और इससे रिलेटेड अन्य एक्सरसाइज को तैयार करें। जो आपका टॉपिक है वॉइस है, वॉइस का मतलब हो गया या तो एक्टिव को पैसिव में चेंज करना या तो पैसिव को एक्टिव में। मान लीजिए पहला हमने सेंटेंस लिया एक्सरसाइज का, आपका लिखा गया ही वॉज मेड क्लास मॉनिटर, ही वॉज मेड क्लास मॉनिटर। अब आपका एक सेंटेंस लिखा गया ही वॉज मेड क्लास मॉनिटर, ठीक। अब यहां पर क्लास मॉनिटर लिखा गया, बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया, ए नहीं लिखा गया। तो क्लास मॉनिटर बनाता कौन है, क्लास टीचर बनाता है या प्रिंसिपल बनाता है, ठीक। अब क्या हम लिखेंगे यहां पर, ध्यान दीजिएगा, हम इसका ऑब्जेक्ट बाइंग छुपा हुआ है, हम यहां पर हमने लिखा क्लास टीचर, क्या लिखा, क्लास टीचर। यहां पर वाज हटाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट है, हमने लिख दिया मेड हिम क्लास मॉनिटर, आपका बन गया, क्या हो गया, क्लास टीचर मेड हिम क्लास मॉनिटर। ये आपका सेंटेंस किसमें है, पैसिव में है, और यहां पर हमने इसको किसमें चेंज कर दिया, एक्टिव में चेंज कर दिया आपके रूल को फॉलो करते हुए। यहां पर क्या है, एक चीज हमारा ऐसा था जो डमी सब्जेक्ट के रूप में यहां पर क्या हो गया था, हिडन हो गया था, हमने यहां पर सब्जेक्ट लाया, पहला हो गया। दूसरा लिखा गया आपका एवरीवन डिसलाइक्स बैड बॉयज, एवरीवन डिसलाइक्स बैड बॉयज। अब आपका एक सेंटेंस हो गया एवरीवन डिसलाइक्स बैड बॉयज, चलिए ठीक। अब देख रहे हैं हम डिसलाइक्स है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, किसको है, बैड बॉयज को। अब इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमको ये लग रहा है ये हमारा एक्टिव में है, इसका मतलब हमको किसमें चेंज करना है, पैसिव में, हम बैड बॉयज को यहां पर लाए, बैड बॉयज लिखा गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो आर लगाया जाएगा, यहां पर डिसलाइक को हम चेंज किया, यहां पर क्या हो गया, डिसलाइक्ड, बस हो गया। अब एवरीवन हमको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एवरीवन की इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए हमने यहां पर क्या कर दिया, हटा दिया इसको, बाई में एवरीवन नहीं लगाएंगे। इसके बाद लिखा गया है द पार्ट वॉज नॉट ब्रोकन बाय द सर्वेंट, द पार्ट वॉज नॉट ब्रोकन बाय द सर्वेंट, ठीक। अब इसको करना है आपको, अब इसको पैसे में चेंज करना है, हम क्या लगाएंगे, ये पैसे में है, हमको एक्टिव में चेंज करना है, मतलब ये पैसे में है, हमको चेंज किस में करना है, एक्टिव में। हमने यहां पर लगाया क्या, द सर्वेंट लिखा गया, ब्रोकन लिखा, अब ए वाज नॉट ब्रोकन लिखा, हमने डिड नॉट लगाया। इसके बाद क्या लिखा, ब्रेक द सर्वेंट डिड नॉट ब्रेक द पॉट, आपका बन गया, आपका किसमें, एक्टिव में चेंज हो गया। जस्ट अपोजिट रूल काम करता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ऐसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल आपका लिया, नन कुड डू इट, मान लीजिए हमने यहां पर फोर्थ एग्जांपल लिया, नन लिखा गया, इसके बाद क्या लिखा गया, कुड डू इट, मतलब कोई भी इसे कर नहीं सकता। अब आपको इसको ए है किसमें, ध्यान दीजिए एक्टिव में है, इसको पैसिव में चेंज करना है, इट इसका सब्जेक्ट है, कुड मॉडल वर्ब है, हमने यहां पर लगाया क्या, इट, तुरंत इट के बाद हमने क्या लगाया, कुड
नॉट बी, इट कुड नॉट बी डन, बस हो गया, नन लगाने की हमको जरूरत ही नहीं है। क्या लिखा जाएगा? इट कुड नॉट बी डन। क्लियर हो गया? ऐसे ही एक एग्जाम्पल हमने लिखा, टेल हिम टू डू द वर्क एट वंस, एक एग्जाम्पल हम और ले रहे हैं यहां पर, टेल हिम टू डू द वर्क एट वंस। देखिए आसान सा सेंटेंस है, बस हमको क्या करना है, सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना है, ये एक्टिव में है लेकिन हमारा सेंटेंस क्या है, इंपरेटिव में है, एक्टिव में है, इसको हमको चेंज किस में करना है, पैसिव में। तो हम लेट का प्रयोग कर सकते हैं, अगर ऑर्डर दिया गया तो एडवांस चुकी बात हो रही, हमने लिखा लेट, लेट के बाद क्या आएगा, हम लगाए हिम बी टोल्ड टू डू द वर्क एट वंस। क्या लिखा गया? लेट हिम बी टोल्ड, मतलब उन्हें बता दिया जाए टू डू द वर्क एट वंस, यह कार्य तत्काल करने के लिए। तो ऐसे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है, सभी विद्यार्थी अपने एक्सरसाइज को करें। आगे आप लोगों को एक्सरसाइज भी भेजी जाएगी और उस एक्सरसाइज को देख के आप लोग करेंगे, जो नहीं आएगा उसको पूछेंगे। थैंक यू फॉर दिस क्लास।